वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन. आई एम गौरव गुप्ता. आई कम बैक अगेन विद अ न्यू लेक्चर. सो दिस लेक्चर इज बेसिकली फॉर व्हाट, क्लास 11 चैप्टर 16, एंड द चैप्टर 16 इज टेकन फ्रॉम द एलिमेंट मैथमेटिक्स. सो आई एम डूइंग इन दिस लेक्चर ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 16.3. वी ऑलरेडी डिस्कस ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड एज वेल एज इट्स रूल इन थ्री पार्ट्स वीडियो, ऑल कॉन्सेप्ट्स एंड बेसिक पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3. Then we did exercise 16.1 and 16.2. Now I'm going to take exercise 16.3. It's very easy, so please don't waste our time. Let's come our first question. Look at the board, please. Question number 1. You have to given a sample space W1, W2, W6. So W1, W2, W6. ये क्या चीज़ है? ये आपके events है. और उन इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज का एक सैंपल स्पेस गिवन है आपको. ए बी सी डी ई, ये 5 पार्ट्स है और आपको ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट वैलिड है और कौन सी स्टेटमेंट इनवैलिड है. मींस आपको एक सैंपल स्पेस दिया हुआ है ऑफ 6 इवेंट्स का, तो आपको पता लगाना है कि क्या ये सैंपल स्पेस वैलिड है या इनवैलिड है. इट्स वेरी इजी है क्योंकि हम ऑल द कॉन्सेप्ट्स एंड बेसिक रूल्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना तो जस्ट लाइक अ 1 सेकेंड क्वेश्चन है. कैसे? लुक एट द बोर्ड. ए फर्स्ट पार्ट 1/6, 1/6, इसका मतलब क्या है? ऑल द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द 6 इवेंट्स आर इक्वली लाइकली. क्योंकि देखिए 1/6, 1/6, 1/6, इसका मतलब क्या है? सभी की प्रोबेबिलिटी 1/16, 1/6 है. और आपको सबसे बेसिक रूल पता है, क्या पता है? सम ऑफ प्रोबेबिलिटी. आपको पता है सम ऑफ प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है? 1 होती है. आप यदि इन सबको ऐड करते हो तो इन सब का एलसीएम आपको क्या मिलेगा? 6 मिलेगा. अब काउंट कर लो 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो 6 by 6 करके क्या आ रहा है? 1 आ रहा है. इसका मतलब सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी सेटिस्फाई होती है. इसका मतलब क्या है? ये स्टेटमेंट वैलिड है. सेकेंड पार्ट रीड करिए. फर्स्ट द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द फर्स्ट इवेंट इज 1 और सभी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0. इट मींस इसी को सभी को हम ऐड करते हैं तो ये भी क्या आता है? 1 आता है. इट मींस ये भी स्टेटमेंट क्या है? वैलिड है. ये स्टेटमेंट भी वैलिड है. लुक एट द थर्ड पार्ट. यहां थर्ड पार्ट में क्या देखना है आपको? बेसिकली आपको यहां 2 प्रोबेबिलिटी दिखाई दे रही है, उसको देखिए ध्यान से. एक प्रोबेबिलिटी तो ये है और एक प्रोबेबिलिटी ये है. यहां 2 प्रोबेबिलिटीज है. अब दोनों प्रोबेबिलिटीज क्या है आपकी? नेगेटिव. दोनों प्रोबेबिलिटीज क्या है? नेगेटिव है. और आपको पता है प्रोबेबिलिटीज शुड बी पॉजिटिव ऑलवेज. सो प्रोबेबिलिटीज क्या होती है? नेवर बी नेगेटिव. प्रोबेबिलिटी नेवर बी नेगेटिव. नेगेटिव इसका मतलब क्या है? यहां पे प्रोबेबिलिटी नेगेटिव आ गई और प्रोबेबिलिटी नेगेटिव कभी हो ही नहीं सकती. इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है? अनवैलिड. तो इसलिए मैं इसको लगा देता हूं सर्कल. ये स्टेटमेंट वैलिड नहीं है. लुक एट द फोर्थ पार्ट 1/12, 1/6. अब यहां प्रोबेबिलिटी तो पॉजिटिव है लेकिन इसका सम करके देखिए. यदि हम इन सबका एलसीएम देते हैं तो आपको एलसीएम कितना मिलेगा? इन सबका एलसीएम 12. अब इनको ऐड करिए 1+1, 1+1, +2, +2, +2, +6 = 18. सो 18, 20, 22, 24, 26, 26 by 12. अगेन 26 by 12 ये क्या है? ग्रेटर देन 1. 26 by 12 क्या है? ग्रेटर देन 1 है. क्या प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 1 होती है? नहीं. प्रोबेबिलिटी ऑलवेज शुड बी इक्वल टू 1. इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या है? अनवैलिड. तो इसको मैं क्या लगा देता हूं? सर्कल लगा देता हूं. अब 6 पार्ट देखिए ध्यान से. 0.1, 0.2, 0.3 सबको ऐड करो. 6 और 5 = 11, 15, 18 और 11, तो कितना बन गया? 22, 0.22, ये 6 और 5 = 11, 15, 18, 20, 21, 2.1. ये भी अगेन ग्रेटर देन क्या आ गया? 1 आ गया. तो 1 से ग्रेटर द प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती. इसका मतलब ये भी क्या है? अनवैलिड या इनवैलिड. तो ये फर्स्ट 2 पार्ट आपकी स्टेटमेंट वैलिड है और नेक्स्ट 3 पार्ट क्या है?
invalid. I hope आपको समझ आया होगा with reason. तो इसको with reason से आपको अपनी fair notebook में note करना है. So please make a note. Now look at the question number 2. Two dice are thrown simultaneously. आपको पता है दो dice को simultaneously toss किया गया है. तो total outcomes is what? 36. It's very easy. Two dice are thrown simultaneously. इसका मतलब क्या आ गया हमारे पास? total outcomes is what? 36. कौन कौन से outcomes आएंगे? 1 1 1 2 up to करते हुए कितने आएंगे? 1 6. ऐसे ही ये downward जाते हैं, तो ये 2 1 करते करते क्या आएगा? 6 1. ऐसे ही यहाँ पे लास्ट में आ जाएंगे आपके 6 6. तो टोटल आउटकम्स इज व्हाट? 36. अब नेक्स्ट रीड करिए. नेक्स्ट कहता है आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है ऑफ गेटिंग 6 एज द प्रोडक्ट. 6 एज द प्रोडक्ट, इसका मतलब दोनों डाई की प्रोडक्ट करके क्या आना चाहिए आपका? 6 आना चाहिए. तो हमारे फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स इज व्हाट? क्या आना चाहिए? प्रोडक्ट इज 6. अब देखिए कौन कौन से की प्रोडक्ट 6 आ सकती है, मैं यहां लिखने जा रहा हूं, ध्यान दीजिए. 2 और 3. जब स्टार्टिंग करते हैं 1 से 1 और 6, क्योंकि 1 × 6 6 होता है. फिर 2 × 3 2 × 3 भी 6 होता है. फिर 3 × 2 3 × 2 भी 6 होता है. उसके बाद 4 × नहीं होता, 5 × नहीं होता, और 6 × 1 6 × 1 भी क्या होता है? 6 ही होता है. इसका मतलब फेवरेबल आउटकम्स कितने आ गए आपके? 4. तो अब हमको क्या निकालनी है? प्रोबेबिलिटी. तो अब लगाइए प्रोबेबिलिटीज ऑफ प्रोडक्ट is 6. क्या रूल लगेगा? फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स. फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं आपके? 4. और टोटल आउटकम्स कितने थे आपके? 36. तो आपका आंसर कितना आ गया? 1/9. तो 1/9 क्या है? हमारा फाइनल आंसर है. आई होप आपको समझ आया होगा. सो प्लीज मेक अ नोट. नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 3. In a throw of 2 coins, इसका मतलब 2 coins are throw किए गए. आपको पता है 2 3, 2 coins are throw किए गए. अब start कहाँ से करेंगे अपना question को? 2 coins are thrown. So 2 coins are thrown. आपने लिख दिया 2 coins को throw किए गए. उसके बाद क्या कहता है कि total outcomes क्या आएंगे? आपको पता है या तो दोनों head आ सकते हैं, या एक head एक tail, first head second tail, ऐसे ही दोनों में दोनों टेल आ सकते हैं. इसका मतलब टोटल आउटकम इज व्हाट? 4. अब क्वेश्चन में कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ हेड, दोनों के दोनों हेड या दोनों के दोनों टेल. इसका मतलब क्या है हमारा? फेवरेबल आउटकम इज व्हाट? दोनों के दोनों हेड कहाँ है? यहां पर है दोनों के दोनों हेड. या तो दोनों हेड होने चाहिए या दोनों के दोनों टेल. और का मतलब होता है ऐड. इसका मतलब आप ऐड करोगे कौन सा? टेल वाला भी, टेल टेल. तो टोटल आउटकम्स वो, सॉरी फेवरेबल आउटकम्स इज 2. तो प्रोबेबिलिटीज ऑफ बोथ हेड और टेल इस कितनी आ गई? फेवरेबल आउटकम्स आपके 2 एंड टोटल आउटकम्स इज व्हाट? 4. आपका आंसर कितना आ गया? 1/2. तो 1/2 इज योर फाइनल आंसर. सो प्लीज मेक अ नोट. Now look at the question number 4, part 1. Question number 4 के दो पार्ट है, हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं. कहता है what is the probability of getting a total of 9 in a single throw of 2 dice. Again question same है, तो इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं हमें. क्या है? A single throw of 2 dice. In a single throw of 2 dice. Total outcomes is what? 36.
तो यहाँ हम डायरेक्ट लिख देते हैं 1 1 से लेकर लास्ट में कितने केस आएंगे, 6.6। कितने केसेस हो गए आपके, 36। ये टोटल आउटकम्स हो गए आपके। अब क्या कहता है, फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स क्या है, टोटल ऑफ 9। अब आपको 9 का टोटल बताना है। 1 से तो नंबर स्टार्ट हो गए, 1 + 8 9, लेकिन 8 नंबर नहीं होता। 2 + 7 7 नहीं होता। 3 + 6 यस, तो 3 + 6, 4 + 5 और 5 + 4 और 6 + 3, तो टोटल आउटकम, सॉरी फेवरेबल आउटकम्स इज व्हाट, 4। तो प्रोबेबिलिटीज क्या हो गई आपकी, फेवरेबल आउटकम्स 4 एंड टोटल आउटकम्स इज व्हाट, 36। तो आपका डायरेक्ट आंसर कितना आ गया, 1/9। तो 1/9 आपका फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ आ रहा है, सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट सेकंड। अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस। द क्वेश्चन इज सेम है कि डाई को क्या किया गया है, थ्रो किया गया है ट्वाइस। अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाई को दो बार थ्रो किया गया है। तो टोटल आउटकम्स आपको पता है, टोटल आउटकम्स क्या आएंगे, सो टोटल आउटकम्स इज व्हाट, 1 1 अप टू लास्ट 6.6 इज इक्वल टू 36। टोटल आउटकम्स हो गए। अब आपको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट एटलीस्ट वन ऑफ द टू डाइस कम्स अप विद नंबर 3। मतलब दोनों डाई में से कम एक डाई पर क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो आप याद रखिए कि एक डाई पर 3 वाले नंबर देख लीजिए क्या आ सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं 1 से, 1.3 आ सकता है, 2.3, 3.3, 3.4, सॉरी 4.3, 5.3, 6.3। यहाँ पे एक डाई पे 3 आया, और भी केसेस बनते हैं, 3.1, 3.2 एंड 3.3। 3.3 तो यहीं पे भी आ गए, इसका मतलब ये काउंट नहीं होगा। 3.4, 3.5, 3.6, इसका मतलब टोटल आउटकम्स कितने आ गए आपके, 11 आ गए। इतना समझाया, ये कौन सा इवेंट है, ये आपका क्या है, इसको कुछ भी नाम दे सकते हो अपने पेपर में टेम्पटेशन के अकॉर्डिंग। इसको बी ले लो, बी एक इवेंट लेट कर लो। क्या है वो गेटिंग है, क्या गेटिंग का है, एटलीस्ट वन ऑफ द टू डाइस शो अ नंबर 3। आ गया। अब देखिए प्रोबेबिलिटी निकालना कितना इजी है, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 11, और टोटल आउटकम्स कितने हैं, 36। तो आपका आंसर क्या काउंट होएगा, 11/36, ये आपका फाइनल आंसर। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 5। इन अ सिंगल थ्रो ऑफ टू डाइस, इसका मतलब एक सिंगल थ्रो, एक ही बार आपने दो डाइस को थ्रो किया गया है। क्या लिख सकते हैं, हम यहां से लिखते हैं, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ टू डाइस, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ टू डाइस, आपको पता है कि दो डाइस को थ्रो करते हैं तो टोटल आउटकम्स क्या आते हैं, लिखने की जरूरत तो नहीं है बार बार, आपको पहले ही पता है क्या आउटकम्स आते हैं। 1 1 से लेकर लास्ट का नंबर क्या आता है, 6.6 which is equal to 36, यह हमें ऑलरेडी पता है। अब हमें क्या देखना है, इसमें क्या है, टोटल 6 पार्ट है, 1 2 3 4 5 6। आप 1 by 1 लेंगे, सबसे पहला पार्ट देखते हैं, टोटल ऑफ 7 और 9, इसका मतलब 7 भी आना चाहिए और 9 भी। तो 7 वाले केस और 9 वाले केस देख लीजिए कौन कौन से केस आएंगे। तो अब हमारे फेवरेबल आउटकम्स क्या आएंगे, सम क्या होना चाहिए इज 7 और 9। तो अब 7 से स्टार्ट करते हैं, अभी 7 कहां कहां बन सकता है, 1 से स्टार्ट करिए, 1 + 6 7 बनता है, 1 + 6 यस, 2 + 5 ये भी ठीक है, 3 + 4 ये भी बनता है, 4 + 3 ये भी बनता है, 5 + 2 ये भी बनता है, 6 + 1 ये भी बनता है, और कोई नहीं बनेगा। 9 देखिए,
वन से नहीं बनेगा, टू से नहीं बनेगा, थ्री से बनेगा। थ्री प्लस सिक्स नाइन, फोर प्लस फाइव नाइन, फाइव प्लस फोर नाइन, एंड सॉरी सिक्स प्लस थ्री नाइन, और तो नहीं बन रही। तो टोटल कितना हो गया, सिक्स और फोर टेन। प्रोबेबिलिटी आपको पता है, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ आपको, फिर नोटबुक में प्रॉपर वे से अटेम्प्ट करना है। फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 10, एंड टोटल आउटकम्स इज व्हाट, 36। 2 पे कट कर दो, कितना आ गया, 5/18। तो आपका आंसर आ जाएगा 5/18। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द सेकंड पार्ट, ए टोटल ऑफ 5 और 7। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या है, ए टोटल ऑफ, टोटल ऑफ कितना होना चाहिए, 5 और 7। 5 और 7, 5 से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करेगा, 1.4 5 बनता है, 2.3 भी 5 बनता है, 3.2 भी 5 बनता है, और 4.1 भी 5 बनता है। 7 स्टार्ट करिए, 7 तो अभी करा हमने, 1 और 6 से बनता है, 2 और 5 से बनता है, 3 और 4 से बनेगा, 4 और 3 से बनेगा, 5 और 2 से, और 6 और 1 से। टोटल कितने हो गए आपके आउटकम्स, सॉरी 10, 6 ये हो गए, 4 ये हो गए। अगेन प्रोबेबिलिटी इज सेम, वही आ गया क्वेश्चन। द प्रोबेबिलिटी फेवरेबल आउटकम्स 10, टोटल आउटकम 36, अगेन द आंसर इज 5/18। तो सेकंड पार्ट का जो आंसर है वो भी क्या आएगा, 5/18 ही आएगा। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द थर्ड पार्ट, कहता है द सम ऑफ द नंबर ऑफ 10 इज मोर देन 10। जो सम है वो क्या होना चाहिए, मोर देन 10, मोर देन 10। 10 का से मोर क्या होना है, 11 और 12, क्योंकि 12 से ज्यादा हो नहीं सकता, 12 का मैक्सिमम सम होता है। तो आउटकम्स क्या बनेंगे, 11 के आउटकम्स बनाइए, 11 के आउटकम कहां से स्टार्ट होंगे, 5 से, 5.6 और 6.5, और 12 के आउटकम्स क्या बनेंगे, 6.6। इसके मतलब टोटल आउटकम्स कितने, फेवरेबल आउटकम्स आपके कितने आए, 3। तो प्रोबेबिलिटी क्या बन गई, फेवरेबल आउटकम्स 3, टोटल आउटकम्स इज व्हाट, 36। तो आपका आंसर कितना आ गया, 1/12। तो 1/12 आपका फाइनल आंसर है। प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द नेक्स्ट पार्ट, कहता है द सम इज एन इवन नंबर। इसका मतलब क्या है, सम इज एन इवन नंबर। इवन नंबर कौन से होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12। इससे ज्यादा तो नंबर बनेंगे ही, क्योंकि 12 मैक्सिमम सम है। अब स्टार्ट करते हैं 2 से। 2 का केस क्या बनेगा, ओनली 1 और 1 बनेगा। यदि हम 4 की बात करते हैं तो 4 के केस क्या बनेंगे, 1.3, 2.2 और 3.1, यही केस बनेंगे। 6 की बात करते हैं तो 6 के केस क्या बनेंगे, 1.5, 2.4, 3.3, 4.2 और 5.1 बनेंगे ये केस। अब हम 6 के बाद आ जाइए 8 पे, मैं यहाँ करता हूँ। 8 के केसेस क्या बनेंगे, 8 के बनेंगे आपके 2 से स्टार्ट होंगे, 2.6, 3.5, 4.4, 5.3 और 6.2। उसके बाद 10, 10 के केसेस कितने बने आपके, स्टार्टिंग कहाँ से, 4.6, 5.5 और 6.4। इसके बाद 12 के केसेस कहाँ से स्टार्ट होंगे, 6.6। अब टोटल काउंट्स करिए कितने बन गए आपके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 18। तो प्रोबेबिलिटीज क्या आ गई, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स। इसका मतलब आंसर आ गया आपका 1/2, 1/2 आंसर आ गया। ऐसी टाइप से आप यदि ओड का निकालते तो नेचुरल बात है ये इवन का 18 आया, तो ओड के भी कितने आते, 18 आते। तो प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट। नाउ लुक एट द फिफ्थ पार्ट, इसमें क्या कहता है, सम इज नाइदर 9 और 11। कि सम जो है, सम इज नाइदर, क्या क्या नहीं हो सकता,
9 और 11, ना तो 9 आना चाहिए ना ही 11 आना चाहिए। इसका मतलब क्या है, हम 9 और 11 के देख लेते हैं और टोटल में से इसको माइनस कर देंगे। हमें पता है टोटल आउटकम्स कितने होते हैं, 36। 36 में से 9 और 11 वाले माइनस कर देंगे तो वो नाइदर वाले आ जाएंगे। तो 9 का निकालिए, 9 किस में आता है, 3 और 6, 4 और 5, 5 और 4, और 6 और 3। और 11 किस में आता है, 5, 6 और 6, 5। इसका मतलब ये कितने आ गए आपके, 6। तो टोटल कितना होता है, 36 माइनस 6 कर दो, कितने आ गए आपके, 30 आ गए। तो प्रोबेबिलिटी निकल गई इसी, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 30। टोटल आउटकम्स इस बार 36, आपका आंसर कितना आ गया, 5/6। तो आपका आंसर है 5/6। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द सिक्स्थ पार्ट, मल्टीपल ऑफ 3 एज अ सम, मल्टीपल ऑफ 3। तो फेवरेबल आउटकम्स आपका क्या है, मल्टीपल ऑफ 3। और आपको पता है मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब क्या है, 3 की टेबल, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 15 क्या है, पॉसिबल ही नहीं, इसका मतलब यही आएगा। तो आप याद रखिए एज अ सम, तो 3 का सम देखिए, 3 किस में आ सकता है, 1 2 में आ सकता है या 2 1 में आ सकता है। तो ये केस बनेंगे, आप 6 पे आ जाएंगे, 6 के कौन से केस बनेंगे, 1 और 5 बन सकता है, 2 और 4 भी बन सकता है, 3 और 3 भी बन सकता है, 4 2 भी हो सकता है, 5 1 भी हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद 9 आपको पता है, 4 5 भी हो सकता है, 5 4 भी हो सकता है, 6 3 भी हो सकता है और 3 6 भी हो सकता है। उसके बाद 12 के तो एक ही केस बनेगा, ओनली 6, 6। तो आपके टोटल फेवरेबल आउटकम्स काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो फेवरेबल आउटकम्स आ गया 12। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स, तो आपका आंसर आ गया 1/3। तो 1/3 आपका फाइनल आंसर है। यू प्लीज टेक अ नोट। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 6, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस, अगेन सेम क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, सिंगल थ्रो ऑफ अ 2 डाइस, सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस, आउटकम्स हमें पता ही है, 1 1 से लेकर 6, 6, टोटल आउटकम्स कितने आ गए आपके, 36। ये तो सबसे आसान केस था। अब क्वेश्चन में क्या कहता है, फेवरेबल आउटकम्स आपको फाइंड आउट करने हैं। उसके लिए पहला पार्ट है आपका थ्रोइंग ए डबलेट, डबलेट थ्रो करना, डबलेट का मतलब होता है सेम, 1 1 2 2 3, इसको कहते हैं डबलेट। इसका मतलब हमारा इजी सा आ गया, तो फेवरेबल आउटकम डबलेट है, डबलेट का मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6। इसका मतलब नेचुरली है कितने आउटकम्स आ गए आपके, 6 आ गए। तो प्रोबेबिलिटी निकल गई डबलेट की कितनी इजी है, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 6, टोटल आउटकम्स इज व्हाट, 36। आपका आंसर कितना आ गया, 1/6 आपका फाइनल आंसर आ गया। नाउ लुक एट द सेकंड पार्ट, थ्रोइंग ए डबलेट ऑफ इवन नंबर, क्या आप सेकंड पार्ट कर रहे हैं, तो फेवरेबल आउटकम्स यहां पे क्या आएंगे, डबलेट ऑफ इवन, यहां दिखाई दे रहे हैं इवन नंबर कौन से है, 2 2 4 4 6 6। इसका मतलब कौन कौन से फेवरेबल आउटकम्स आ गए, 2 2 4 4 और 6 6, इसका मतलब फेवरेबल आउटकम्स 3। तो प्रोबेबिलिटीज ऑफ इवन डबलेट कितना आ गया, फेवरेबल आउटकम्स 3, टोटल आउटकम्स इज व्हाट, 36। आपका आंसर आ गया 1/12। दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द आंसर, सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्या कहता है कि वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। आपका पता है कि टोटल आउटकम्स कितने हो गए आपके, 52, तो कितने कार्ड्स होते हैं, टोटल 52 होते हैं, तो टोटल कार्ड्स कितने हो गए आपके, 52, और यही हमारे क्या बन गए, टोटल आउटकम्स। तो टोटल आउटकम्स हमारे कितने हो गए, 52 ही हो गए।
लिख सकता हूँ 52। इसके बाद हमारे को तीन पार्ट चार पार्ट्स में कौन सा देना है, इसने कहा है कि इक्वली लाइकली टू बी ड्रोन, उनमें से कोई भी कार्ड आपने निकाला वो इक्वली हो सकता है। देखिए वन कार्ड आपने 52 कार्ड में से एक कार्ड निकालना है, वो कार्ड कोई भी हो सकता है, इसका मतलब सारे के सारे इक्वली लाइकली आउटकम्स है। इसके बाद क्या फाइंड द प्रोबेबिलिटी, पहला पार्ट देखिए हम फर्स्ट पार्ट करते हैं ए, तो यहाँ पे अपने फेवरेबल आउटकम्स देखिए कितने आएंगे, फेवरेबल आउटकम्स द कार्ड ड्रोन इज रेड, आपको पता है रेड कार्ड कितने होते हैं टोटल 26 होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी कितनी इजीली निकल गई, प्रोबेबिलिटीज ऑफ रेड कार्ड्स इज व्हाट फेवरेबल आउटकम्स 26 टोटल आउटकम्स 52, तो आंसर कितना आ गया 1/2, तो आपका आंसर आ गया 1/2, सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द सेकंड पार्ट, द कार्ड ड्रोन इज अ किंग, क्या होना चाहिए, किंग होना चाहिए, तो फेवरेबल आउटकम्स वो क्या है आपके किंग, और किंग कितने होते हैं टोटल आपको ये पता है, 4 किंग्स होते हैं किसी भी पैक ऑफ कार्ड्स में, तो प्रोबेबिलिटीज ऑफ किंग फेवरेबल आउटकम्स 4 टोटल आउटकम्स 52, आंसर कितना आ गया 1/13, तो 1/13 आपका फाइनल आंसर, प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कार्ड ड्रोन इज अ रेड और किंग, इसका मतलब रेड में किंग कितने होते हैं, दो ही किंग होते हैं, दो ब्लैक किंग होते हैं, दो रेड किंग होते हैं, इसका मतलब फेवरेबल आउटकम्स आपके कितने आ गए, किसके रेड एंड किंग के 2, तो प्रोबेबिलिटीज रेड एंड किंग कितनी आ गई, फेवरेबल आउटकम्स 2 टोटल आउटकम्स 52, आपका आंसर कितना आ गया 1/26, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ऐसे ही आप डी पार्ट देखिए इसी का, द कार्ड ड्रोन इज आइदर रेड और किंग, रेड भी हो और किंग भी हो, तो रेड और किंग को कैसे करेंगे, प्लीज मेक अ नोट। हाँ तो क्या समझ रहा है आपको, आइदर रेड, तो रेड देखिए रेड कितने होते हैं आपके, डी पार्ट कर रहे हैं, रेड होते हैं 26 जिसमें 2 किंग पहले से इंक्लूड होते हैं, और आपको कहता है रेड भी होने चाहिए और किंग भी, किंग टोटल कितने होते हैं 4, तो 2 रेड के होते हैं और 2 किंग किसके होते हैं ब्लैक कलर के, इसका मतलब टोटल हमारे फेवरेबल आउटकम सॉरी तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए हमारे 26 तो ये हो गए और 2 ये, तो 28 हमारे टोटल कार्ड्स हो गए फेवरेबल आउटकम, समझ आया, रेड थे रेड 26 जिसमें 2 किंग पहले से आ चुके हैं, और किंग की बात करते 4, 4 में से 2 तो रेड के हो गए, तो 2 बच गए किंग ब्लैक के, तो 26 और 2 कितने हो गए 28, तो प्रोबेबिलिटीज ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ आइदर रेड और किंग फेवरेबल आउटकम्स 28 टोटल आउटकम्स इज 52, 2 पे कट कर दो 14 और ये कितना बन गया 26, इसको कट कर दो 7/13, तो आपका आंसर आ जाएगा 7/13, सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 8, कहता है कि ए कार्ड इज ड्रोन फ्रॉम ए ऑर्डिनरी पैक ऑफ कार्ड, ऑर्डिनरी पैक ऑफ कार्ड का मतलब क्या है, सिंपल कार्ड, इसका मतलब हमारे टोटल आउटकम्स कितने हो गए, टोटल आउटकम्स इज व्हाट 52 कार्ड्स, इसका मतलब कोई भी कार्ड निकल सकता है, 52 कार्ड्स हमारे टोटल आउटकम्स हो गए। अब क्वेश्चन में क्या कहता है कि ए पर्सन है जिसने बैट लगाई, शर्त लगाई, एक पर्सन ने शर्त लगाई, इट इज अ स्पेड है और एस है, इसका मतलब हमारे फेवरेबल आउटकम्स इज व्हाट क्या है, फेवरेबल आउटकम्स इज व्हाट, या तो स्पेड आना चाहिए या क्या आना चाहिए और एन एस, इसका मतलब स्पेड भी काउंट होनी चाहिए एस भी काउंट होनी चाहिए, स्पेड कितने होते हैं 13 और एस कितने होते हैं 4, जबकि 13 में एक स्पेड सॉरी एक एस इंक्लूड होता है, तो 13 में एक इंक्लूड होता है एस, इसका मतलब कितने हो गए ये 12 हो गए, और ये 12 और ये सॉरी हाँ 12 और ये 4, 12 प्लस 4 कितने हो गए आपके 16, तो ये शर्त लगाने की इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है,
वो कितनी बार जीत सकता है, फेवरेबल आउटकम्स उसके 16, समझ आया? तो उसके फेवरेबल आउटकम्स आपके हो गए 16। तो आपको क्या पता लगाना है, उसको पता लगाना है कि व्हाट आर द ऑड्स अगेंस्ट हिज विनिंग, कि कितने अगेंस्ट है उसके विनिंग के। अब देखिए ऑड्स अगेंस्ट विनिंग की बात करते हैं, ऑड्स अगेंस्ट हिज विनिंग, टोटल कार्ड्स कितने हैं, 56, सॉरी 52 कार्ड्स टोटल कार्ड्स हैं, और वो जीतता कितनी बार है, 16 बार। इसका मतलब इसके चांसेस कितने हैं, 52/16, स्कोर कट करना है तो ये 13 और ये 4, तो आपका आंसर आ जाएगा 13:4, ये आपका आंसर है उसके विनिंग के, कि 13 चांसेस में से वो 4 बार जीतने के उसके चांसेस है। सो प्लीज मेक अ नाउ, सॉरी वेट जस्ट अ मिनट, हमने थोड़ा सा गलती कर दी, हमने क्या गलती कर दी, यहां ध्यान से देखिए, इसने कहा था ऑड्स अगेंस्ट हिज विनिंग, ऑड्स का मतलब है उसके अगेंस्ट, जीतने की अगेंस्ट बताना है, जीतता कितनी बार है वो 16 बार, तो हारता कितनी बार है, टोटल कितने थे 52, और हारता कितनी बार है वो, सॉरी जीतता कितनी बार है 16 बार, तो हारेगा कितनी बार, इसको माइनस कर दो कितना आ जाएगा ये 36, तो इतनी बार वो क्या करता है, हारता है, और इतनी बार क्या है वो जीतता है, तो इन दोनों का रेशियो कितना आ गया 36:16, इसका मतलब 36 बार वो लूज करता है और यहां पे विन करता है, तो लूज और विन, इसने कहा था ओड्स अगेंस्ट, ओड्स अगेंस्ट का मतलब है पहले आपको रेशियो लिख रहे हैं जो अगेंस्ट हो, अगेंस्ट का मतलब क्या है, जब आप गेम हारते हो, और फिर किसके रेशो लिखना है जितनी बार आप जीतते हो, तो पहले हमने किसका रेशो लिखा, जितनी बार हम हारते हैं, तो 36 टाइम हम हारते हैं और 16 टाइम क्या है हम जीतते हैं, तो इसको कट करेंगे तो इसका रेशो आई होप आएगा 9 पे, कट कर दो सॉरी 4 पे, 4 9 से 36 और 4 4 से 6, तो आपका आंसर आएगा 9:4, ये आपका फाइनल आंसर, समझ आया आपको, सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 9, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ थ्री डाइस, अब तीन डाइस आ गई, अब तीन डाइस का क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी होता है, क्या इजी आएगा, सिंगल थ्रो मतलब एक टाइम पर आपने तीन डाइस को थ्रो कराया, सिंगल थ्रो ऑफ थ्री डाइस, अब आपको पता है कितने आउटकम्स होते हैं, उसको निकालने का सिंपल सा तरीका क्या होता है, 6^n, यहां पर एन कितना है 3, क्योंकि 3 डाइस है तो 6^3 कितना हो गया 216, तो टोटल आउटकम्स है आपके 216। उसके बाद कहता है ऑफ गेटिंग द प्रोबेबिलिटी, पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट में आपके फेवरेबल आउटकम्स क्या कहता है, सेम नंबर ऑन ऑल द थ्री डाइस, तीनों डाई पर सेम नंबर आना चाहिए, इसका मतलब वहां डबलेट था, यहां क्या आ गया ट्रिपलेट, तो फेवरेबल आउटकम्स क्या आएंगे, 1 1 1, 2 2 2, ऐसे ही 3 3 3, 4 4 4, 5 5 5 और 6 6 6, कितने आउटकम्स आ गए फेवरेबल, 6, इसको वहां पे पेयर में डबलेट कहते थे, इसको क्या कहते हैं ट्रिपलेट, तो कितने आउटकम्स आए आपके 6, तो प्रोबेबिलिटीज कितनी आ गई 6/216, कट कर दीजिए कितना आ गया 1/36, ये आपका आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। नाउ लुक एट द सेकंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में कहता है कि नॉट गेटिंग द सेम नंबर, इसका मतलब इसकी नोट के निकालने हैं, ये हमने निकाल दी किसकी है, मैं यहां लिख देता हूं सेम नंबर ऑन ईच डाइस, सभी डाइस पर सेम नंबर आना चाहिए था, अब इसके नोट के निकालने हैं, नोट के निकालने बहुत इजी होती है, कैसे निकालते हैं 1 माइनस करके, सो प्लीज मेक अ नोट, फर्स्ट किसके निकालनी है आपको, प्रोबेबिलिटीज ऑफ नॉट सेम नंबर, प्रोबेबिलिटीज ऑफ नॉट सेम नंबर, इजी है, 1 में से क्या माइनस कर देते हैं प्रोबेबिलिटीज ऑफ सेम नंबर जो आप पहले से निकाल चुके हो, सेम नंबर की प्रोबेबिलिटीज कितनी आई 1/36, सॉल्व करो कितना आएगा 35/30,
तो ये क्या आ गया, इसका सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। समझ रहे कि प्रोबेबिलिटीज ऑफ, आपको ये प्रॉपर्टी पहले से पता है, प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू क्या होती है 1। तो हमने ये कॉन्सेप्ट लगा के क्या निकाल दिया सही से, आपको केस लगाने की जरूरत ही नहीं है इस केस में। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर सिलेक्टेड फ्रॉम द नंबर, नंबर को सिलेक्ट करने हैं आपको 1 से 25, इसका मतलब टोटल आउटकम आपके पास 25 हो गए। तो हमारे पास टोटल आउटकम्स कितने हैं 1 से लेकर 25, इसका मतलब टोटल आउटकम्स इज व्हाट 25। ये हमारे पास टोटल आउटकम्स निकल गए। सेकंड स्टेप होता है हमारा फेवरेबल आउटकम्स निकालने का। अब फेवरेबल आउटकम्स देखिए क्या कहता है कि इज अ प्राइम नंबर। आपको प्राइम नंबर पता ही है, प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 2 से स्टार्ट करिए, पहला आएगा 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23, और कोई तो नहीं आएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो फेवरेबल आउटकम्स 9। तो प्रोबेबिलिटीज क्या आ गई आपकी प्राइम नंबर की, इजी है बिल्कुल ही, फेवरेबल आउटकम्स इज व्हाट 9, टोटल आउटकम्स इज व्हाट 25। तो आपका आंसर कितना आ गया 9/25 आपका आंसर आ गया। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 11। 4 पॉइंट्स आर टोस्ट, इसका मतलब 4 पॉइंट को टोस्ट किया गया, तो टोटल आउटकम्स आपके माइंड में आ गया। यस वेरी गुड, टोटल आउटकम्स इज व्हाट 2^4 is equal to 16, क्यों, क्योंकि 4 पॉइंट्स आर टॉस्ट। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कॉन्सेप्ट इन पार्ट 2 वीडियो में, कॉन्सेप्ट्स एंड रूल्स। तो इजी है, आपको क्या निकालना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। फेवरेबल आउटकम्स क्या है आपका, पहला है नो हेड, प्रोबेबिलिटीज ऑफ नो हेड निकालनी है। पहले हम बात करते हैं फेवरेबल आउटकम्स की। ये कहता है कि एक भी हेड नहीं आना चाहिए, इसका मतलब चारों पॉइंट्स पे क्या आना चाहिए, टेल आना चाहिए। तो टेल 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 कितना केस बना, ओनली एक ही केस बना, एक केस बना। तो प्रोबेबिलिटीज ऑफ नो हेड, ये तो क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व हो गया आपका, कितना आ गया 1/ टोटल कितना है 16, आपका 1/16 आपका आंसर आ गया। नाउ लुक एट द सेकंड पार्ट। अब कहता है कि टू हेड, अब टू हेड बनाने के लिए एक तो है टेबल, आप 2 मिनट में बना सकते हो टेबल, उसकी हेल्प से फटाफट फाइंड आउट कर सकते हो। तो मैं एक बार बना देता हूं ताकि आपको फटाफट याद रहे, अदरवाइज आप चाहो तो भी बना सकते हो, ऐसे करके बना सकते हो। सेकंड पार्ट में क्या है आपका, टू हेड है, तो टू हेड बनाने के लिए टेबल बना देता हूं, उससे जल्दी हो जाएगा। सो प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं 4 पॉइंट्स से, तो टोटल आउटकम्स कितने थे आपके 16, 16 का हाफ कितना हो गया 8, 8 से स्टार्ट करते हैं, 8 हेड, 8 टेल, 4, 5, 6, 7, 8। अब 8 का हाफ 4, 4 हेड, 4 हेड और 4 टेल, ऐसे यहां पे भी 4 हेड और 4 टेल, 4 का हाफ 2, 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल, 2 का हाफ 1, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, यहां भी सेम हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। अब आपको 2 हेड, 2 हेड देखिए, पहला केस देखिए, यहां तो सारे हेड है नहीं, यहां पे 3 हेड है, ये भी नहीं होगा, यहां पे 3 हेड है, यहां पे पहला केस ये आ गया 2 हेड, यहां देखिए 3 हेड है, ये सेकंड केस आ गया 2 हेड, ये थर्ड केस देखिए, यहां भी 2 हेड है, यहां पे 3 टेल है, यहां पे 3 हेड है, यहां पे भी 2 हेड आ गए, यहां पे भी 2 हेड आ गए, यहां पे भी 2 हेड आ गए, यहाँ पे
यही केस है, इसका मतलब कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, तो फेवरेबल आउटकम्स आपके कितना आ गए 6, तो फेवरेबल आउटकम्स इज व्हाट 6, तो प्रोबेबिलिटीज कितनी आ गई फेवरेबल बाय टोटल, इसका मतलब 3/8 आपका फाइनल आंसर है। सो प्लीज मेक अ नोट। सो वी डिड कंप्लीट अप टू एक्सरसाइज 16.3 अप टू क्वेश्चन 11, और नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल डू इन आवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज 16.3। आई होप आपने इस वीडियो का एंजॉय किया होगा, और सो प्लीज मेक इट नॉट इन योर फेयर नोटबुक। So we will meet very soon. Thank you once again for watching my video from starting to the end. If you really like my video, so don't forget to subscribe, like and share my YouTube channel. It is free of cost. और आप इसको अपने friends को भी refer कर सकते हो, so that everyone can take a benefit of my video. Due to coronavirus और classes वगैरह आपकी missing ना हो, आपको हर question आपको समझ आए, यही मेरा main purpose भी है इस channel का. So please be enjoy my with channel. Thank you once again for watching my video from starting to the end.